बाप रे बाप, ट्रैफिक देख लो आगे। क्या ट्रैफिक है, मजा ही आ गया आज तो। स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। तो इनको तो बेवकूफी जानते होंगे आप, इन्होंने पहले जंगल में ड्राइविंग करी थी और आज मैं इनको काशीपुर ट्रैफिक मैं सिखाने लेकर आया हूँ। देखिएगा किस तरीके से काशीपुर ट्रैफिक में ये कार चलाएंगे और मैं किस तरीके से सिखाऊंगा। और अगर आपको मेरी ड्राइविंग सिखाना पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक से कमेंट करिए। एकदम सेकंड गियर, गाड़ी हल्की करी ना। एम्बुलेंस को पहले रास्ता दिया करो, ठीक है? ऐसी एम्बुलेंस जहाँ से भी आ रही हो तो आप पूरा साइड में हो जाओगे, ठीक है? जैसे जैसे स्पीड बनती जाएगी वैसे वैसे गियर चेंज करते जाओ। डालो चौथा गियर। देखो जैसे सामने चौराहा आ गया ना, तो यहाँ पर हल्की करके सेकंड गियर करोगे, ठीक है? चौराहे से कोई भी दाएं बाएं से गाड़ी आ सकती ना, ठीक है? एकदम हल्की करो और सेकंड गियर करो। सेकंड गियर की स्पीड आपकी 20 तक ही रहेगी, ठीक है? 20 पे ही चलना है आपने, 20 से ऊपर नहीं चलना है। जब चौराहा क्रॉस कर दोगे उसके बाद थर्ड गियर का इस्तेमाल करना, ठीक है? खाली हो गया थर्ड गियर, अब डालिए और चलाइए नॉर्मल। फिर और खाली हो जाएगा तो फिर चौथा गियर। सामने हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर आराम से सेकंड गियर में, ठीक है? इसे कितनी जल्दी हो रही है, स्पीड भी कम करो। गियर छोटा करने से कुछ नहीं होता, पहले स्पीड कम करो फिर उसके बाद आप क्लच छोड़ना, ठीक है? पहले स्पीड कम करोगे फिर गियर चेंज करोगे। सामने फिर से चौराहा आ गया है, आराम से सेकंड गियर करके, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक? सामने देखो, ओवरटेक करो उसका, इसके पीछे मत चलो। गाड़ी आ रही क्या? कोई गाड़ी नहीं है। चलो थर्ड गियर एकदम, एकदम की स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, सामने एम्बुलेंस आ रास्ता दोस्त। चलो किसी का ओवरटेक करोगे ना तो एकदम नहीं जाओगे, ठीक है? थोड़ा आगे चलने के बाद और लाइन चेंज करते हैं, इंडिकेटर दिया करो, ठीक है? लेफ्ट से राइट इंडिकेटर, राइट से लेफ्ट इंडिकेटर, लाइन चेंज करना, इंडिकेटर देना। कैलाश भाई कौन सा दिन है आज? बहुत बढ़िया, सही ड्राइविंग कर रहा हूँ। हॉर्न भी दो, किसी का ओवरटेक करो तो हॉर्न तो देना है। कैसे बताओगे लोगों से आप आ रहे हो? हाँ करो इसका ओवरटेक, हॉर्न देकर करना, फिर दो हॉर्न, इंडिकेटर देकर करो। राइट साइड में आओ, इंडिकेटर दो, हाँ अभी साइड आ जाओ, ठीक है? अब इंडिकेटर बंद करो, यही डिवाइडर पर चलना, ठीक है? पासिंग लाइट दोस्तों, ऑल्सो पासिंग लाइट, ताकि वो रुका रहे, ऐसे में रास्ता क्रॉस नहीं करेगा, पास में देंगे, जाने मत देना। चलो खाली ये चौथा गियर ले सकते हो। औरत तुम फॉरन क्यों जरा ओवरटेक करते समय हैं? किसी वाहन का अगर ओवरटेक करते हो तो हॉर्न दिया करो, इस गधे को देखो कितनी जल्दी भी देख रहे हो। चलो सामने चुराया आगे ना, तुम्हारे पास चुराया बहुत आ रहे हैं यार है? करो सेकंड गियर, आराम से दोनों तरफ देखो, स्पीड ज्यादा हो रही है दूसरे गियर में। देखो राइट साइड देखो, कुत्ता आज गया था लग रहा, तुरंत फर्स्ट। क्लच कौन दबाया गाड़ी रोकते समय? गाड़ी बंद की हुई, फिर तुरंत सेकंड गाड़ी रोकी, ठीक? क्लच भी दबाया करो साथ में, ठीक है? तीसरा भी लो, तीसरे गियर की स्पीड तो चल रही है आपकी, तो वैसे भी खाली है ना, फुल में चलेंगे, ठीक है? रुकेगी तो फर्स्ट गियर कर देता एकदम, करो फर्स्ट गियर। इन लोगों ने करके रखा है, बीच सड़क पे भाई साहब ने गाड़ी वहां रोक दी, उसने वहां रोक दी, यहां से निकालो साइड से। पहले गियर में कितनी रेस देरी की, देखा उसमें गाड़ी गर्म होती, पहले गियर में रेस देते फालतू, तुरंत बाप रे बाप, ट्रैफिक देख लो आगे। क्या ट्रैफिक है, मजा ही आ गया आज तो। हॉर्न आगे, ठीक है?
सामने काफी जाम लगा पड़ा है, ट्रैफिक बहुत ही, ध्यान से चलना ठीक है, लेफ्ट राइट देखते हुए। गाड़ी अगर लेफ्ट राइट कहीं लगी ना तो सही कर दूंगा मैं। देखो अभी इस साइड में जाम लग रहा है ना, आप लेफ्ट राइट साइड पकड़ो, लेफ्ट साइड साइड इसलिए पकड़वाई ना क्योंकि ये कुछ लोग जो है ना राइट जाने वाले हैं यहाँ से, तो उनके लिए गाड़ी रुकी रहेगी फिर पीछे वाले भी, तो ये वाली रास्ता जो है चलता रहेगा ठीक है। इस वजह से चलते रहो आप, इस लाइन में चलते रहो। दोनों तरफ ध्यान देना, वहां का शीशा नहीं दिख रहा है, कलच ब्रेक पे रखो, कुछ नहीं करना। पूरा क्लच दबाना, चेहरे में पसीना काफी आ गया ट्रैफिक को देखते हुए। चला चलते रहना, रेस तो देखो है नहीं, ये फायदा इस वाली लाइन में आकर के देखो, वो लाइन ही सब उधर को मिलने वाली है, तभी मैंने इस लाइन पकड़ने को कहा। चलो हमें भी राइट लेना होगा तो हम राइट ले सकते हैं, वो पीछे लगे पड़े ना, एक के पीछे अब स्पेस दे नहीं रखा, जो ऐसा करके निकल के चले जाएं तब। अभी देखो ये फंस गया नहीं फंस गया, जब आपको लगेगा ऐसा जाम लग रहा है ना तो आप दूसरी लाइन पकड़ लो, डिवाइडर वाली लाइन में आपको जाम मिल जाना, जैसे अगर रेंग रेंग के चल रहे हैं तो आप दूसरी लाइन पकड़ के निकल जाओ। बहुत बढ़िया गजब की ड्राइविंग रही कैलाश भाई आपकी, आगे फिर हॉस्पिटल है, आप ध्यान से बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। हॉस्पिटल के जब तक चलोगे ना सेकंड गियर की स्पीड ना बिल्कुल स्लो चलना है ठीक है। हॉस्पिटल के गेट में कभी पार्किंग नहीं करते हैं, ध्यान देना ठीक है, पार्किंग वगैरह नहीं करना हॉस्पिटल, क्योंकि एम्बुलेंस कभी भी आ जा सकती है तो उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। हॉस्पिटल है सामने, लेफ्ट साइड में हॉस्पिटल है, तो देखो रास्ते क्रॉस करें ना आराम आराम से, ब्रेक को प्रिपेयर रखो, धीरे धीरे चलते रहो, कोई भी आ सकता है ना। ये देखो आया निकल गए, इसलिए ये तो देख भी नहीं रहा, लेफ्ट साइड में गाड़ी रुकनी कार के आगे ठीक है, इंडिकेटर देना पीछे देखना फिर गाड़ी रोकना कार के आगे। और चलो धीरे करो, ब्रेक दबा दो, बंद कर, चलने के लिए राइट इंडिकेटर देना है फिर हमने चलना है ठीक है। चलो फटाफट एकदम पिकअप बनाओ, घोड़े को पासिंग लाइट दे रहे थे भाई सब ये। अरे वो गाड़ी बताओ यार, गजब के आदमी हो भाई, आगे से गाड़ी नहीं है, कौन सी गाड़ी में वही देख, पीली वाली गाड़ी की नहीं, अभी वीडियो में अच्छी की ये देखो, रोकना मत। ओ भाई साहब देख रहे हो कैसे पार कर रहा हो, पता नहीं कहाँ ध्यान है उसका, एक से एक है। चलो बढ़िया, ड्राइविंग अच्छी कर रहे हो, तुम्हारा थोड़ा स्पीड में कंट्रोल करना होगा ठीक है, स्पीड में कंट्रोल और गाड़ी रुकने में क्लच ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए।
धीरे से ये वो क्या कर रही है? क्या कर रहे थे बेचारे? तो दोस्तों कैसा लगा मेरा सिखाना और कैसी लगी इनकी ड्राइविंग, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।